Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. Hi, this is Harsh Vasisht and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। तो नाम ही है अपने आप में सफाई। हम लोग सफाई का काम 365 दिन करते हैं। अभी विशेष हिदायत है, 365 दिन जो काम करते हैं उससे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, इसलिए कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस जिस तरह से अपना महामारी किया है, उसमें हम लोग भी बिल्कुल सख्त है। इस मामले में कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में भेजने का काम, सुपरवाइजर की छुट्टी को रद्द करने का काम, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में काम रोज हो इसको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग रात को भी स्वीपिंग, वॉशिंग, सड़कों की ये कर रहे हैं, साथ ही हमारे जो डस्टबिन लगे हुए हैं उसकी सफाई के साथ साथ डस्टबिन को धुलवाने का काम करते हैं। स्प्रे का काम बड़ी गाड़ियों से जो फॉगिंग होता है, उसके अलावा भी छोटे छोटे हैंड हेल्डेड जो स्प्रे मशीन आती है उससे हम गलियों में, वार्डों में स्प्रे कराने का काम कर रहे हैं। अपने सुपरवाइजर्स को स्पेशल निर्देश दिए हुए हैं कि जहां कूड़ा कचरा ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको तत्काल उठाने का काम करें। हम लोगों ने अपने नंबर भी जारी किए हैं, उस नंबर में भी लोगों से आग्रह किया है कि कहीं ऐसा दिखता है तो आप तुरंत उसको कंप्लेन में डालें, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग को जो सड़क घूमते हैं वही दिखता है, लेकिन अंदर के क्षेत्रों में अगर कचरा गिरा हुआ है और कहीं सुपरवाइजर की गलती से नहीं उठ रहा है तो उसकी जानकारी हमें मिलती है तो हम जरूर करते हैं। इलाका में फॉगिंग हो रहा है, देखिए ऐसा नहीं है, लोग आरोप लगा रहे हैं तो हो सकता है जो लगा रहे हैं उनके क्षेत्र में नहीं हो रहा, तो मेरा आग्रह है कि देखिए केवल आरोप लगाना नहीं बल्कि आप अपने क्षेत्र की जानकारी दें। हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि 24 घंटे के अंदर उनके यहाँ सफाई भी होगा और उनके यहाँ स्प्रे का भी काम होगा। फॉगिंग मशीन हमारे यहाँ कम है, सिर्फ 2 है। अब उससे 53 वार्ड में आपको दिखना तो है नहीं, आज रांची शहर में 53 वार्ड है और 2 फॉगिंग मशीन से आप दर्शन सबको नहीं करा सकते। हो सकता है इसकी भी शिकायत हो, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हैंड हेल्डेड मशीन से हम इस चीज़ को पूरा कर सकें। हमारा यही प्रयास है कि हम सफाई में अति उत्तम काम करें या कोरोना वायरस को। सर, कुछ ऐसे जगह है जहां पे सैनिटाइजर और मास्क की सख्त जरूरत है, तो उसको लेके सर क्या कुछ आप लोग तैयारी चले? जैसे कुछ अगर बात करें मंदिरों की जो खुली हुई है और वहां पे श्रद्धालु जाते हैं, तो वहां पे पंडितों को सैनिटाइजर प्रोवाइड किया नहीं गया, वो खुद से क्या करता है उसके बारे में अवेयर भी नहीं है, तो इसको लेके नगर निगम क्या कुछ कर रही है? देखिए अभी राज्य सरकार ने कुछ निर्देश कल जारी किए हैं जी, राज्य सरकार ने फंडिंग भी रेज किया है इसके लिए और स्वास्थ्य शाखा को उससे अवगत भी कराया गया, क्योंकि रांची नगर निगम हेल्थ नहीं देखता, हेल्थ में सिर्फ साफ सफाई देखते हैं, बाकी हम काम नहीं करते हैं। तो राज्य सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को जरूर ये निर्देश दिए गए होंगे कि आप सार्वजनिक स्थानों पर इन चीज़ों को मुहैया कराएं। मैं समझता हूं कि अगर रांची नगर निगम को ये चीज़ मुहैया कराया जाएगा तो 100% सभी सार्वजनिक स्थानों पर हम लोग भी ये काम करेंगे। अभी हम सफाई और अपने मजदूरों को इन सब चीज़ों से बचाने का ये काम हम कर रहे हैं, बाकी काम स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार कर रहे हैं। देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।